चलिए साहब, तो थोड़ी सी पॉलिटिक्स की बात कर लें। चुनाव था आज, आज तो भैया राष्ट्रपति को चुनने का दिन था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालने गए, तमाम सारे लोग, सब लोग गए सेंट्रल हॉल लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी जो सदन की, वहाँ पर जो है वोटिंग हुई। वोटिंग बैलेट पेपर से हुई। अब कुछ लोग बोले बैलेट पेपर से करा रहे, हमारी ईवीएम से करा रहे, राष्ट्रपति की जो है प्रधानमंत्री ईवीएम से चुनेगा, राष्ट्रपति जो है पेपर चुनेगा। अब मूर्ख आदमी, उसमें ऑप्शन होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 राष्ट्रपति को चुनने का, कौन से राष्ट्रपति चुन रहे हो, कितने नंबर पे चुनोगे, ये ऑप्शन होता है। यहाँ ईवीएम में ऑप्शन नहीं होता, टप से दबा दिया वोट गिर गया, ठीक है ना। पहली बात। दूसरी बात कि ये पद्धति कोई नई नहीं, बहुत पुरानी है, और जब भी ऐसे चुनाव होते हैं जो छोटे चुनाव होते हैं उनको मतपत्र से ही कराया जाता है, उनके लिए ईवीएम नहीं लगाई जाती है, ठीक है ना। खैर चलिए साहब, तो फिर चुनाव हो रहे हैं, मोदी जी ने वोट डाला, और भी लोगों ने डाला होगा, बहुत सारे लोगों ने डाला है। आइए उस न्यूज़ को भी ले लें। एनसीपी यानी शरद पवार जी की पार्टी, एमएलए कंधाल एस जडेजा, कांधल एस जडेजा सेज ही हैज वोटेड फॉर एनडीएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू, रिपोर्टेड बाय न्यूज़। अरे भैया द्रौपदी मुर्मू को दिया है भैया एनसीपी वाले, ओफ शरद पवार जी के चेले, ओहो हो कमाल हो गया साहब, ये तो बड़ा चोट हो गई साहब। आइए वो भी तो हैं, उनकी सुने। आई एम अ कांग्रेस एमएलए बट आई वोटेड फॉर एनडीएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू, इट्स माय पर्सनल डिसीजन एंड आई हैव लिसन टू माय हार्ट व्हिच गाइडेड मी टू डू समथिंग फॉर द सॉइल, अंतरात्मा की आवाज सुनिए। ओडिशा कांग्रेस एमएलए मोहम्मद मुकीम, ये माइला मेरा को उठा ले रे बाबा, भैया देखो भैया ये क्या हो रहा है, भैया भैया मोहम्मद ने भी हमारे साथ छोड़ दिया, भैया भैया बहुत गलत हो रहा है, भैया 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 भैया, अरे भैया क्या हो रहा है इस देश में, बड़ा अन्याय हो रहा है साहब। ये विप विप कहाँ चले गए, थ्री लाइन वाले, टू लाइन वाले, चलत नहीं है कहा, सब ही देते डाल दा वोट, कौन मान ही नहीं रहा। अब वो रह गई न्याय की बाजी है भाई, न्याय की बाजी, उनने भी जो समझ गया, हमें समझ ना वो गया, हमें हारे हमें झूझी बना के दे दिए, हम लोग वो कहेंगे किसको, देखें जरा। द वन यशवंत सिन्हा हु कॉल्ड नेताजी मुलायम सिंह यादव आईएसआई एजेंट, वी कैन नेवर सपोर्ट हिम, हार्डकोर एसपी लीडर्स हु फॉलो नेताजी प्रिंसिपल विल नेवर सपोर्ट अ कैंडिडेट हु लेवल्ड सच एलिगेशंस, शिवपाल सिंह यादव। अरे भैया, अरे भैया इनने भी सपोर्ट नहीं किया, हमारे कहीं बात है, हमारे हमारे हम वो जाएंगे और कहेंगे क्यों, हमें भी नहीं आए, हम क्या कहें, लोग यहाँ हमारा भगना गया है, इन्हीं के बाद भी जाना जाते हैं, क्या कहीं हुई हैं भैया, लड़के से परेशान है। तो साहब शिवपाल सिंह यादव ने तो बोल दे, बोले भाई हम तो कभी भूलेंगे नहीं, नेताजी को आईएसआई का एजेंट बोला था, उफ न्याय भी पहुँच गए, सॉरी नेताजी भी पहुँच गए, ये भी वोट डाले, बहुत खुश हैं, हाथे दिखा रहे हैं, बोले पंजा को धप्पा, ये धप्पा कर दिए भाई। समाजवादी पार्टी लीडर मुलायम सिंह यादव कास्टिंग इज वोट ड्यूरिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एट पार्लियामेंट हाउस, किसको दिया होगा, नेताजी मुस्कान तो कह रही खेल कर गए, अरे बाबा रे बाबा, अब अकल जो है ही क्या, हिमा की अकल जे हमको पाए हैं भैया, जो मेरे बाप का नहीं हुआ किसी का क्या होगा। हाँ देखो अंदर की बात है सर, सबको इधर उधर वोट देना था, वही हुआ। तो साहब चुनाव हो गए, सब ने इधर उधर वोट डाल दिए, बड़ा गड़बड़ हो गया, उफ 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 उफ। फिर क्या, कुछ लोग तो इंतजार कर रहे थे मोदी किसको बनाएंगे, आरिफ मोहम्मद खान को बनाना चाहिए, नहीं वो फ्री हो गया अभी, क्या नाम है उनका, मुख्तार अब्बास नकवी, उसको बनाया जाएगा, फलाने को ठिकाने को, इसको उसको इनको उनको, अरे साहब किसी के नहीं हुए, कैंडिडेट अलग हो गए। अब एक नया कष्ट है, अब एक नया कष्ट आया मार्केट में, अभी एकदम ताज़ा ताज़ा कष्ट, एकदम फड़फड़ाता हुआ, भक 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 करके आया, बोला मैं कष्ट हूँ कहाँ जाऊँ, हमने कहा इतने सारे लोग घूम रहे हैं उचका उचका, क्योंकि उनको तीर लेना, किसी में भी चले जाऊँ तो बहुतों के में चला गया साहब। अब वो कष्ट बड़ा बड़ा परेशान कर रहा लोगों को। राष्ट्रपति से लेकर संसद सदस्य तक बीजेपी का मुस्लिम चेहरा किसी चुने हुए ऊंचे औहदे पर नहीं, ओ फो ओ माय गोट्स डॉग्स एंड हॉर्सेस, भाई बड़ा ये तो गड़बड़ हो गया। बताइए राष्ट्रपति से लेकर संसद सदस्य तक कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है बीजेपी का, 75 साल के आजाद भारत के 75 साल के इतिहास में ऐसा पहली दफा हुआ
कि केंद्र सरकार में कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है। मोदी सरकार में मुख्तार अब्बास नकवी इकलौता मुस्लिम चेहरा थे, वो भी उनको भी हटा दिया। अरे बाबा मैं मर गया, कहाँ जाऊं? बहुत दर्द है। आज ऐसे ऐसे ओजस्वी लोग हैं, वो लिखते साहब कि भा जो बहुत बड़ा चैनल चला, चैनल पे आते थे, हम जब बचपन में तो उनको देखते थे, बड़ा एडमायर करते थे, क्योंकि उस समय कुछ था नहीं सोशल मीडिया, तो पता नहीं चलती थी सच्चाई। उनका नाम है नंदी, प्रीतिश नंदी नाम का शो का नाम था, द प्रीतिश नंदी शो। देखते थे हमारे साहब ये गंजा साधनी फ्रेंच लगा कर, फ्रेंच कट के साथ आता है साहब, बड़ा गजब, बड़ा इंप्रेसिव का अंग्रेजी बोला था एकदम, बटबट बटबट का बोला था समझ में नहीं आता, सब अगल बगल से निकल जाता ऊपर से, इधर से उधर से। ऐसा ही होता है हिंदुस्तान में, अंग्रेजी उसी की अच्छी होती है जिसकी समझ में ना आए, समझ में आ जाए। मतलब ऐसा मूर्ख पहला ऐसा देश है जो उसको अच्छा मानता है जो पल्ले नहीं पड़ा। खैर, तो साहब उन्होंने आज ट्वीट किया, हमने उनके ट्वीट का रिप्लाई दिया। ट्वीट में लिखते हैं कि साहब वो ऐसा हो गया और एक भी मुसलमान नहीं है, फलान नहीं है इस देश में, मुसलमान को कम से कम राष्ट्रपति बन, मतलब इस देश में पद पे आने की योग्यता, राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है? कि मुसलमान हो तो ये योग्यता है, या योग्यता योग्यता होनी चाहिए इस व्यक्ति के अंदर, योग्यता उसे बनाया जाना चाहिए, या मुसलमान है यही एकमात्र योग्यता है कि इसको बना दो? ऐसे बनाया जाएगा क्या? ऐसे थोपेंगे क्या चैनल, ऐसे थोपेंगे क्या लोग? ये चैनल्स बताएंगे या बाकी लोग बताएंगे? देश का प्रधानमंत्री देश ने डायरेक्ट चुन लिया, ठीक है ना, वो भी थ्रू रिप्रेजेंटेटिव है। देश का राष्ट्रपति वो भी आपने चुना है थ्रू रिप्रेजेंटेटिव, हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव, हमने अपना नुमाइंदा चुन दिया, हमने अपना नौकर चुन दिया 5 साल के लिए। ये नौकर हमारे लिए काम करेगा, ये नौकर वहां जाता है, कभी राष्ट्रपति चुनता है, कभी प्रधानमंत्री चुनता है, कभी मुख्यमंत्री चुनता है। तो ये हमने नौकर चुनकर भेज दिया, हमारे पास समय नहीं है, वी आर नॉट दैट फ्री, तो हमने अपना नौकर चुन लिया। जनसेवा की तो बुरा क्यों लग रहा है एमपी एमएलए को यार, इतना बुरा मत माना करो, आप ही के भला कर रहा हूं। तो साहब हमने अपना नौकर चुन लिया, वो नौकर हमारा काम कर रहा है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? हमने जिनको चुना है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे हैं वहां पे, वो सही काम कर रहे हैं, हमको लगेगा गलत है तो हम हटा देंगे, आप इतना टेंशन क्यों लियो? तो ये भी साहब बड़े गजब की चीज़ है कि कोई मुसलमान नहीं है, बताइए मुसलमान होना, अच्छा ये कमाल है साहब। चलिए, हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोनपे के माध्यम से सपोर्ट करना, कॉन्ट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम UPI एड्रेस है nshuklain@upi। जो लोग भारत के बाहर हैं वे patreon.com/nitinshukla पर और paypal.me/nitinshukla GWL पर कॉन्ट्रीब्यूट कर दें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल टू रिसीव अ नोटिफिकेशन एवरी टाइम अ वीडियो इज अपलोडेड। इफ यू लाइक टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द चैनल यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू patreon.com/sanathani paypal.me/sanathani